दहेज प्रताड़ना के झूठे मामलों के शिकार होकर पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर परिवारों के लिए शुक्रवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया। आज दहेज प्रताड़ना के एक मामले में जयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने ऐतिहासिक प्रसंज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणुका सिंह हुड्डा ने लड़की और उसके परिवारजनों को दहेज देने और डॉक्टर अमित के पिता की संपत्ति हत्याने के लिए षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए जमानती वारंट से तलब किया। डॉक्टर अमित के सास ससुर और वाइफ को कोर्ट ने दहेज लेने के लिए कंपेल करने का मामला प्रमाणित मानते हुए डॉक्टर अमित के वाइफ आशा कोमल और उनकी सास आशा और ससुर बलराम साई के खिलाफ धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अपराधी मानते हुए जमानती वारंट से कोर्ट ने तलब किया है। ये राजस्थान का पहला ऐसा मामला है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के 1961 के तहत पहला प्रसंज्ञान का मामला ये है। इस मामले में लड़के के पक्ष में कोर्ट के फैसले से डॉक्टर अमित समेत उन तमाम पतियों के लिए उम्मीद की किरण जागी है जो दहेज प्रताड़ना के झूठे मामलों में फंसकर कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। परिवादी इकबाल राय ने बताया कि निश्चित रूप से कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए सबक साबित होगा जो अपने लालच के लिए दहेज प्रताड़ना के कानून को लड़के के परिवारजनों को ब्लैकमेल करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में गैर सरकारी संस्था सेव इंडिया फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की अहम भूमिका रही। सेव इंडिया फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के सचिव ने बताया कि उनकी संस्था काफी समय से इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार की मदद करने का काम कर रही है और इस फैसले से उनकी मुहिम को और मजबूती मिलेगी। ये होने के बाद में हम ये सोचते हैं कि जो झूठे दहेज के प्रकरण जो लड़की वाले कराते हैं उनको होश आ जानी चाहिए कि अपन को झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कराना। आपको क्या लगता है कोई बड़ी पहल की शुरुआत? ये बिल्कुल एक पहल है जिससे ये झूठे मुकदमे जो आने बंद हो जाएंगे। कि जो लड़की वाले आज मजाक बना लिया उन्होंने कि जो उठ के लड़के वालों के ऊपर बगैर बिना किसी बात के अपने मोटिव्स हल करने के लिए पैसे ऐंठने के लिए ये काम करते हैं। काफ़ी कुछ समाज पे असर जाएगा, समाज को एक संदेश जाएगा कि अगर हमने झूठा केस किया है तो हो सकता है काउंटर केस हमारे ऊपर हो जावे और हम भी भुगते। जानकारों का कहना है कि न्यायालय के इस कदम से देश भर में बढ़ रहे दहेज प्रताड़ना के मामलों पर अंकुश लग पाएगा। सुशांत पारेख, ईटीवी न्यूज़, जयपुर।